सभी को नमस्कार। इस 2024 में आप सब ने यह सपना देख रखा है कि मैं बैंकर बनूंगा। हर एक एस्पिरेंट के मन में कहीं ना कहीं यह सपना है कि इस 2024 में मुझे अपनी एक सीट सिक्योर करना है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप अपने इस बैंकिंग की जर्नी में बहुत गलतियां करोगे? उन गलतियों को अगर आपने समय रहते सुधार लिया तब तो आप वाकई में बैंकर बन जाओगे, लेकिन अगर समय रहते आपने उन गलतियों को ना सुधारा तो ये 2024 से आप 2025 में पहुंच जाओगे। पिछले 7 सालों से लगातार पढ़ा रहा हूं, अपनी इन्हीं आंखों के सामने कई सारे बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देख चुका हूं। तो जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं ना, उनका डेली पैटर्न क्या था, उनका पढ़ने का तरीका क्या था, इससे भी मैं भली भांति वाकिफ हूं। खुद भी सिलेक्शन लिए हैं तो खुद भी पता है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से हमें पढ़ाई करना चाहिए। ऑफलाइन क्लास में एक साथ 500-600 बच्चों को साथ पढ़ाता था, लेकिन क्या सबका सिलेक्शन हो जाता था? नहीं। उन 500-600 में से 1% का भी सिलेक्शन हो जाता था ना, बहुत बड़ी बात होती थी। 4 से 5 बच्चे निकलते थे एक बैच में। तो अगर 5 बच्चों को मैंने सफल होते हुए देखा है तो बाकी 495 को असफल होते हुए देखा है। और जो फेल होते हैं ना, उसमें भी 2 अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस से रीस्टार्ट कर लेते हैं, जैसे आपने देखा अभी रिसेंटली 12th फेल मूवी आई, कि बंदा कितने भी फेल हो रहा हो लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो क्या करता है, रीस्टार्ट करता है। लेकिन बहुत ऐसे एस्पिरेंट भी होते हैं जिन्होंने जहां फेलियर देखा उसके बाद उन्होंने तैयारी को क्या किया, छोड़ दिया। तो सब कुछ इन 7 सालों में मैंने देख रखा है और वही कुछ एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करने आया हूं। और ये बताने आया हूं आपको कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो ड्यूरिंग बैंक एग्जाम्स प्रिपरेशन आपने नहीं करना है, इन गलतियों से आपको बचना है। अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हो कि हाँ वाकई में हम एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, हमें बैंक एग्जाम्स की तैयारी करनी है, बैंक का एग्जाम हमें क्रैक करना है, तभी इस वीडियो को आगे तक देखिएगा, वरना यहीं से बंद कर दीजिएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में कोई हंसी मजाक नहीं करने वाला, मैं आपको कोई जोक नहीं सुनाने वाला, मैं आपको कोई मूवी नहीं दिखाने वाला, मैं आपको एंटरटेन नहीं करने वाला हूं। आगे तक चल सकते हो मेरे साथ तो चलना, वरना इसी जगह से इस वीडियो को बंद कर देना। और एक दरख्वास्त और, डिसलाइक करके बंद करना, ठीक, जिससे मुझे भी ये पता लगे कि ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई में बैंकर बनना चाहते हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो बैंकर नहीं बनना चाहते। जिन 5 गलतियों की दोस्तों मैं बात करने वाला हूं, 1 by 1 इनको हम डिस्कस करेंगे। और ये 5 बहुत मंझी हुई गलतियां हैं जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट करता ही करता है। एक एक करके मैं सारी गलतियों पे बात करूंगा। सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक है हर एक एस्पिरेंट की, वो है ये। देखो आज की डेट में 3 तरीके के स्टूडेंट हैं, 3 तरीके के, जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको केवल क्या पढ़ना है, केवल प्री पढ़ना है, केवल प्री पढ़ना है। दूसरे ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्री और मेंस को साथ लेकर चल रहे हैं, प्री प्लस मेंस को। अब यहीं से 2 तरीके के और नए स्टूडेंट्स का जन्म होता है। इसमें से एक तो वो हैं जिनका सब कुछ फाइन चल रहा होता है, और यहीं से कुछ ऐसे भी निकलते हैं कि सर हम प्री और मेंस को साथ तो लेके चल रहे हैं बट बैलेंस नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं हो पा रही चीजें। आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो एक बैंक एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए सबसे जरूरी है कि आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान प्री और मेंस का तालमेल बना के चलना पड़ेगा। इसकी अपनी जगह रिक्वायरमेंट है और इसकी अपनी जगह रिक्वायरमेंट है। प्री आपसे स्पीड मांगता है,
स्पीड मांगता है विद एक्यूरेसी। आपका जो मेंस का एग्जाम है इसकी आपसे स्पीड की कोई डिमांड नहीं है, ये नहीं कहता कि आप बहुत तेज होने चाहिए, ये स्पीड नहीं मांगता, ये कहता है आप मुझे केवल एक्यूरेसी दो, केवल एक्यूरेसी दो। तो अगर आप वाकई में एक बैंकर बनना चाहते हो तो बैंकिंग के प्री और मेंस का तालमेल आपको बना के चलना पड़ेगा, और अगर आपने प्री और मेंस का तालमेल बना के आगे चलने की कोशिश नहीं की, वहीं से आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है आप बैकफुट पे चले जाओगे। जितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जो केवल प्री प्री पढ़ रहे हो, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आज पढ़ लेता हूं, तीन महीने बाद मेंस की तैयारी कर लूंगा, प्री का रिजल्ट निकल आएगा, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद टाइम मिलेगा, मेंस की तैयारी कर लूंगा, कभी नहीं हो पाएगा, कोई नहीं पाएगा, तो आपका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ऐसे जितने एस्पिरेंट्स हैं जो प्री और मेंस को एक साथ लेके चल रहे हैं, देखो आज के डेट में जो बच्चे सेलेक्ट होके बैंकों के अंदर बैठे हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तुम्हें क्या लगता है उन्होंने जब प्री के साथ मेंस को पढ़ना शुरू किया होगा तो उनका सब कुछ फाइन रहा होगा? नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट अपनी बात कर लूं, मैं एक एजुकेटर हूं, मैं अपनी बात कर लेता हूं, या इस अपनी इंडिया के अपने इस पूरे विश्व में कोई ऐसा एजुकेटर नहीं है जिसने अगर ये काम किया होगा और उसकी सारी चीजें बिल्कुल फाइन चली हो। इनिशियल फेज पे जब आप प्री के साथ मेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हो सबको दिक्कत होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, समस्याएं सबको होती हैं, लेकिन उन दिक्कतों से उन परेशानियों से हम लड़ना छोड़ दें ये नहीं करना है। लगे रहिए कॉन्टिन्यूअसली, दोनों को बैलेंस बना के चलने का मतलब है प्री के साथ साथ मेंस को भी टाइम दीजिए, और टाइम देने के साथ साथ, क्योंकि टाइम तो दोगे ही, टाइम देने के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज है दैट इज पेशेंस, पेशेंस रखिए, समय लगेगा। आप अगर ऐसे सोचो कि आप प्री के महारथी हो, आपको प्री का पूरा सिलेबस तैयार है, क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर सॉल्व हो जाता है, आप आंसर निकाल लेते हो विद इन सेकेंड्स, आप चीजों को कैलकुलेट कर लेते हो, बट मेंस में भी इनिशियल स्टेज पे आप इतने ही परफेक्ट हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं। तो पहली गलती ये बिल्कुल मत करना कि प्री पढ़ रहे हो और मेंस ना पढ़ो, और फिर ये भी मत करना, जैसे बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं आजकल मैंने देखा है कि जब उनका एक बार प्री का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है तो वो केवल मेंस पे भिड़े रहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स जो है ना, प्रीलिम्स आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज की डिमांड नहीं करता। आपने बैंकिंग के प्रीलिम्स का पेपर अगर उठा के देखा होगा तो जितना माइंड आपको यहां मेंस के एग्जाम में लगाना होता है उतना प्रील में नहीं लगाना होता है। यह आपसे बात करता है स्पीड की, और स्पीड जो है वो आपकी बनेगी किससे? प्रैक्टिस से। रिदम अगर आपकी मेंटेन रही और वो रिदम अगर आपकी ब्रेक हो गई, प्रैक्टिस करना आपने बंद कर दिया, आपने सोचा कि यार मेरा तो प्री तैयारी हो चुका है अब केवल मेंस पढ़ लेते हैं, तो जो आपके प्रीलिम्स का रिदम बना हुआ था वो हो जाएगा ब्रेक। और एक बार अगर रिदम आपका ब्रेक हो गया तो उसके बाद मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, जो आप यहां पे स्पीड लेके आ पा रहे थे ना वो स्पीड आप लेके नहीं आ पाओगे। तो मेरी इस बात का खास ख्याल रखिएगा, प्री और मेंस का तालमेल बना के चलिए, इनको क्या करिए बैलेंस करके चलिए। अगर प्री प्री केवल पढ़ रहे हो तो अपनी तैयारी को बदलो, तैयारी करने के तरीके को बदलो, प्री के साथ मेंस पे भी ध्यान दो, अगर केवल मेंस पढ़ रहे हो तो मेंस के साथ प्री पे भी ध्यान दो, बट आपको प्री और मेंस एट द एंड दोनों पे ध्यान देना है। दिक्कतें आएंगी, एवरीथिंग फाइन नहीं होगा, सब कुछ अच्छा नहीं होगा शुरुआत में, पेशेंस रखिए, डेढ़ दो महीने बीतेंगे उसके बाद आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ अब हम बैलेंस कर पा रहे हैं। तो ये गलती पहली गलती है जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स आज की डेट में कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो प्री और मेंस की बैलेंसिंग करके ही नहीं चल पा रहे हैं, और यही वजह है उनके सिलेक्शन ना होने की। दूसरी गलती दोस्तों ये है कि एक बहुत गंदी आदत है जो हर एक एस्पिरेंट कह सकते हो कर रहा है आज की डेट में, कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसा चैप्टर जो आपको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है। जैसे आपने देखा होगा
लगता है कि यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या फिर आपने देखा होगा जनरल अवेयरनेस, या फिर आपने देखा होगा करंट अफेयर्स, या फिर आपने देखा होगा बैंकिंग अवेयरनेस, या फिर मैं पर्टिकुलर डीआई की किसी टाइप की बात कर दूं, डीआई की किसी भी टाइप की बात कर दूं। जैसे मैंने मान लो ले लिया कि कोई स्टूडेंट है जिसको लगता है कि रडार डीआई जो है यार हमें नहीं समझ में आता, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि आपको अगर कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है तो उस डिफिकल्ट लगने वाली चीज को आप लीव कर दो। आपने जीए नहीं पढ़ा, आपने कहा जीए जो है वो अभी क्या करें पढ़ के, जब मेरा मेंस का एग्जाम जो है वो आ जाएगा सर पे तो मैं जीए पढ़ लूंगा। एक काम करता हूं, अभी मेरा बैंकिंग का प्रीलिम्स हुआ नहीं है, मैं केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैं रीजनिंग पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं मैथ पढ़ूंगा, अभी मैं करंट अफेयर्स वगैरह नहीं पढ़ूंगा, करंट अफेयर्स को हम बाद में तैयार कर लेंगे, 2-3 महीने के बाद। आपने लीव कर दिया। बैंकिंग अवेयरनेस का अभी आपने का कोई काम नहीं है, एक काम करते हैं इसको भी अभी छोड़ के चलते हैं, अभी आप ना केवल इन 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हो, आप इन 3 सब्जेक्ट्स को भी पढ़ रहे हो। इसमें आपने देखा रीजनिंग, रीजनिंग में एक पजल आती है फ्लैट पजल, आपको फ्लैट पजल में दिक्कत होती है, आपने कहा अरे यार फ्लैट पजल में दिक्कत हो रही है हटाओ, लीव कर देते हैं। इंग्लिश में आपने देखा, इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आ रहा है, क्लोज टेस्ट में आपको दिक्कत होती है, आपने कहा यार हटाओ इसको, लीव कर देते, इसको एग्जाम में करेंगे। मैथ में आपको किसी एक डीआई के टाइप में दिक्कत होती है, आपने कहा यार डीआई के टाइप में दिक्कत हो रही है हटाओ इसको करेंगे। ये मिस्टेक जनरली बहुत एस्पिरेंट कर रहे हैं कि जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर या जो भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं समझ में आया तो इस पे काम करने के बजाय इसको लीव करना वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि इसको छोड़ दिया जाए। अगर आपके मन में भी यही चल रहा है और आप भी ऐसी ही गलती कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर ये गलती आपने की तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो आप सोच रहे हो ना कि हम फ्लैट पजल छोड़ देंगे, 5 नंबर गवा दोगे, 5 नंबर यहां गवा दोगे, 5 नंबर यहां गवा दोगे, एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें जो आता है वही एग्जाम में आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके मन की आपकी मेंटेलिटी क्या बन चुकी है, मेंटेलिटी आपकी ये बन चुकी है कि जो आपकी प्रिपरेशन है, जो चीजें आपने तैयार किया है, जो आपने चीजें प्रिपेयर किया है, जो आपने प्रिपरेशन की है, आपको लगता है कि एग्जाम में बस यही आएगा, और आपको ऐसा फील होता है कि जो चीजें हमने नहीं पढ़ी या जो चीजें हम लीव कर रहे हैं वो तो एग्जाम में आएंगी ही नहीं। ऐसा आप सोचते हो कि जो चीजें हमने नहीं पढ़ी आपको लगता है वो तो एग्जाम में आएंगी ही नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएंगी, इसको छोड़ दो। तो अगर आप ऐसी गलतियां करते हो कि आप किसी एक टॉपिक या किसी पर्टिकुलर एक चैप्टर को छोड़ के आगे बढ़ते हो तो ये गलती करना बंद करो। ईच एंड एवरी सिंगल सिंगल टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब किस टॉपिक से आपका एग्जाम बन जाए और कब किस टॉपिक से आपका एग्जाम बिगड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी टॉपिक हो सकता है जो आपके एग्जाम को बना देगा और कोई ऐसा भी टॉपिक होगा कि वही आपके एग्जाम को बिगाड़ देगा। आपने आज की डेट पे फ्लैट पजल को छोड़ के रखा है, कल को प्री का एग्जाम देने जाओगे, जितना तुम्हें आता था उतना तुमने कर लिया और तुम्हारे पास फ्लैट पजल थी बट तुमने कभी इस पे फोकस नहीं किया, तुम इसको नहीं कर पाए और तुम्हारा जो एग्जाम का रिजल्ट आया कट ऑफ से 2 नंबर तुम्हारे कम रह गए, तो तुम्हें पछतावा होगा इस बात का कि अगर मैंने फ्लैट पजल पढ़ी होती तो 5 नंबर यहां के भी सिक्योर कर लेता और जो 2 नंबर से मेरा प्रीलिम्स रुक गया वो ना रुकता। तो बाद में ना पछतावा हो, इससे बेहतर है कि पहले ही उस काम को क्या हो करो ही ना, पछतावे की नौबत ही नहीं आने देना है। ये दूसरी मेरी सलाह है, ये दूसरा ऐसा काम है जो आपको नहीं करना है, अवॉइड करिएगा, किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट को छोड़कर मत चलिएगा। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जरूरी है, तैयारी का जो लेवल है वो अब पहले जैसा नहीं रहा, तैयारी का माहौल पहले जैसे नहीं रहा, एग्जाम के लेवल अब पहले जैसे नहीं रहे, अब वो उतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं रही जितनी पहले कभी आया करती थी, क्योंकि आपकी एक इतनी छोटी सी मिस्टेक आपको उठा के बाहर फेंक देगी, आपकी एक इतनी छोटी सी मिस्टेक आपको सारे बच्चों के बीच से उठा के बाहर फेंक देगी। तो वो मिस्टेक हम करें ही क्यों, हमसे वो गलती क्यों हो, तो वो गलती ना हो इसलिए दोस्तों आपको कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक लीव करके नहीं चलना है। पहला काम प्री और मेंस को साथ लेके चलना, बैलेंस करके चलना, ऐसा बिल्कुल मत करना कि केवल प्री पढ़ रहे हो मेंस नहीं पढ़ रहे हो या मेंस पढ़ रहे हो प्री नहीं पढ़ रहे हो।
दूसरा काम मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत करना कि किसी टॉपिक चैप्टर इसको आप लीव करके चल रहे हो, इनको आप छोड़ के चल रहे हो, ये काम बिल्कुल मत करिएगा। अगली बात सबसे जरूरी, जो आज की डेट में हर एक एस्पिरेंट कर रहा है, स्टॉप डूइंग दिस गाइज, स्टॉप डूइंग दिस, बंद करो इसको, बंद करो, स्टॉप डूइंग दिस, ये बंद करिए। आप अपनी तैयारी जब स्टार्ट कर रहे हो तो तैयारी को स्टार्ट करते समय आप पहले ही ये डिसाइड कर लो कि आपको जाना किसके साथ है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जब आप तैयारी स्टार्ट करो, बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग में 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन ले लो, लेकिन इन 10 दिनों में आप ये डिसाइड करो कि वो कौन सा टीचर है जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो रही है। ये बहुत जरूरी है, वो कौन सा टीचर है जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो रही है, जिसका पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है। इस दुनिया का हर एक टीचर अपने बच्चों के लिए बेस्ट कंटेंट ही देता है। कोई टीचर नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे को खराब पढ़ाऊं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। डिपेंड करता है कि आप किसका पढ़ाया आपको बढ़िया समझ में आ रहा है। अब आज की डेट में बच्चे क्या कर रहे हैं, आज की डेट में बच्चे जितने भी ऑनलाइन एजुकेटर्स अवेलेबल हैं सबको पढ़ना चाह रहे हैं। वो विपिन शुक्ला से भी पढ़ लेंगे, वो आशीष सर से भी पढ़ लेंगे, हर्षल सर के पास भी चले जाएंगे, अरुण सर के पास भी चले जाएंगे, मतलब जितने भी टीचर हैं, उधर यशराज सर पढ़ा रहे हैं वहां चले गए, सबके पास पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये करना बंद करो, स्टॉप डूइंग दिस। अगर वाकई में आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है, तो आप हफ्ते 10 दिन का टाइम ले लो, रिसर्च करो, लेकिन कोई एक सिलेक्ट कर लो, और कोई एक टीचर जो आप सिलेक्ट करो ना, फिर उसी के साथ आगे कंटिन्यू करो। वरना सबसे पढ़ने लगोगे, सबके पढ़ाने समझाने का तरीका अलग होता है। सबसे पढ़ोगे ना तो जब एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इतनी बढ़िया खिचड़ी पकेगी ना कि खुद खाते नहीं बनेगा ना हजम, मतलब निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा। इसलिए ये करना बिल्कुल बंद करिए, स्टॉप डूइंग दिस गाइज। कोई एक टीचर सेलेक्ट करिए और उसी एक टीचर के साथ आगे कंटिन्यू करिए, उसी एक टीचर के साथ आगे कंटिन्यू करिए, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये काम आपने करना है कि आपको कोई एक टीचर ही सेलेक्ट करना है और उसी टीचर के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये बिल्कुल करना बंद कर दीजिए कि जितने भी ऑनलाइन टीचर्स आपके अवेलेबल हैं आप सबसे ही पढ़े जा रहे हो, सबसे ही पढ़े जा रहे हो आप, तो सबसे ना पढ़ो, कोई एक दो टीचर सेलेक्ट कर लो, और दो भी नहीं कह रहा हूं, एक टीचर को सेलेक्ट कर लो, उसी के साथ आगे कंटिन्यू करो। और टीचर वही सेलेक्ट करना जो आपको पता हो कि हाँ यार ये प्री पढ़ाएगा, मेंस भी पढ़ाएगा, वरना पढ़ाने वाले टीचर भी बहुत भरे पड़े हैं कि खाली प्री पढ़ाए जा रहे हैं, मेंस का कोई मतलब ही नहीं है, या फिर मतलब कहने का मतलब क्या है आप अच्छे से समझ रहे हो। तो ये काम बिल्कुल मत करो, डोंट प्रिपेयर विद ऑल द ऑनलाइन टीचर्स, कोई एक टीचर सेलेक्ट करिए, उसी के साथ अपनी जो जर्नी है, उसी के साथ अपनी जो आपकी बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, इसको आप आगे लेके जाइए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपके सेलेक्ट ना होने की। आज की डेट में अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, दिस इज अ बिग रीजन, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपके सेलेक्ट ना होने की। तीसरी गलती ये हो गई। चौथी गलती ये मत करता, नंबर ऑफ आवर्स फॉर स्टडी। देखो मैं ये तो नहीं कहता कि आपके पढ़ने के घंटे डिसाइड होने चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आप जितना कुछ पढ़ो वहां से आप गेन कितना कर पा रहे हो, वहां से आप प्रोड्यूस क्या कर पा रहे हो, ये मैटर करता है दोस्तों। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दिन में बैठ के 10-10 घंटे पढ़ रहे हो फिर भी आपको नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ हुआ ही नहीं। तो नंबर ऑफ आवर्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन फिर पढ़ाई का ये भी तरीका नहीं होना चाहिए कि एक घंटे पढ़ लिया, 10 मिनट भाग गए, फिर आ गए पढ़ लिए, फिर भाग गए, फिर आ गए पढ़ लिए, फिर भाग गए, नहीं। जितना भी टाइम पढ़ो कॉन्स्टेंट पढ़ो और एक टाइम टेबल पे वर्क करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल आप बहुत बनाते हो, टाइम टेबल जो है वो आप बहुत बनाते हो, बट वर्क केवल और केवल एक सिंगल टाइम टेबल पे ही काम करो।
अगर आपको लगता है कि शाम को 4 से 6 के बीच आपके क्रिकेट खेलने का टाइम है, तो फिर वो टाइम क्रिकेट खेलने का ही होना चाहिए। क्योंकि अगर उस टाइम को आप सोचो नहीं यार चलो आज इस टाइम को भी यूटिलाइज करते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो आपके 4 से 5 दिन तो खराब होने ही होने, क्योंकि आप नहीं पढ़ पाओगे, आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी। दोपहर में कई सारी जैसे लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, दोपहर में 2-3 घंटे सबके सोने का समय होता है, लोग थक जाते हैं, अगली मॉर्निंग उठते हैं, करंट अफेयर्स के शोज वगैरह करते हैं, दोपहर आते आते थक जाते हैं, सो गए। अब अगर आप दोपहर में सो गए और आपका दोपहर के सोने का टाइम बंधा हुआ है, तो फिर आप सोइए। मेरा कहने का मतलब है कि एक सिंगल टाइम टेबल पे वर्क करिए, सोने का टाइम है तो सोइए, क्योंकि आप नहीं सो रहे हो तो सर दर्द होगा, एंजाइटी होगी, दिक्कत होगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सुस्ती रहेगी, आलस है, इधर लुढ़के जा रहे हैं, उधर लुढ़के जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों से बेहतर है कि फिर आप सो ही ना लो, कम से कम माइंड तो आपका फ्रेश हो जाएगा। तो जो आपने प्रॉपर अपना टाइम टेबल बना रखा है, एक टाइम टेबल पे काम करिए और यहां से आपके नंबर ऑफ आवर्स जो है उनको डिसाइड करिए। कभी हम कंप्लीट नंबर ऑफ आवर्स नहीं कर पाते कि अगर हमने 10 घंटे का टाइम टेबल बना रखा है तो ये टॉपर से भी आप पूछ लो, 10 के 10 घंटे टाइम टेबल पे काम कोई नहीं कर पाता, कि हमने 12 घंटे का बना रखा था और हम 12 के 12 घंटे क्या कर पाए, 12 के 12 घंटे पढ़ ही पाए, 2-3-4-5-10% जो है वो कसक रह ही जाती है, तो उतना भी क्या है, चलेगा। लेकिन प्रॉपरली काम करिए, और केवल टाइम टेबल बनाने से काम नहीं चलेगा, यहां से आप गेन कितना कर रहे हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप कितना गेन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता लगे सुबह से शाम तक बैठे हो 10 घंटे किताब खोले, दिमाग में कुछ गया ही नहीं, गेन तुमने कुछ किया ही नहीं, तो अगर कुछ गेन नहीं करोगे तो क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस किसका होगा, मॉनेटरी लॉस होगा क्या, नहीं जी, एक ऐसी चीज का लॉस होगा जो कभी लौट के वापस नहीं आती, दैट इज योर टाइम, दैट इज योर टाइम, एंड यू नो दैट टाइम इज वेरी प्रीसियस, यू नो ना टाइम इज वेरी प्रीसियस, ये कभी लौट के नहीं आएगा, जो बीत गया वो बीत गया, जो बात गई वो रात गई, ये लौट के नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे भैया, अगर ये लौट के नहीं आएगा तो क्या करोगे, ये अगर लौट के नहीं आएगा तो क्या करोगे, करो ये ना कि इसको जब कर रहे हो, टाइम टेबल के साथ पढ़ रहे हो, तो कुछ ना कुछ गेन करो यार, कुछ यहां से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लॉस नहीं होना चाहिए। तो तीसरी बात ये रही आपके सामने, तीसरी क्या चौथी थी मुझे लग रहा है, एक ये बता दिया, दो बता दिया, तीन बता दिया, चार बता दिया, पांचवी बात और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट, लास्ट, आप तैयारी करते हो, नंबर आएंगे आपके मॉक्स में कम, बहुत ऐसे स्प्रिंट होंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, मॉक देते हैं बट कम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, या फिर क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो रहे हैं तो इरर्स बहुत हो रही हैं, नंबर बहुत कम आ रहे हैं, और इस सिचुएशन पे आप क्या करते हो, आप लीव कर देते हो अपनी प्रिपरेशन को, आप लीव कर देते हो अपनी प्रिपरेशन को, ये बिल्कुल मत करिएगा। मैंने क्या कहा, कोई पेट से सीख के नहीं आता, कोई पेट से सीख के नहीं आता। SBI PO का जो टॉपर था उसने भी अपने इंटरव्यू में यही बात कही थी कि मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाई करना स्टार्ट किया, मॉक देने स्टार्ट किए, तो मैथ में मेरे ना 10-11-12 नंबर से ज्यादा कभी आते ही नहीं थे। टॉपर्स के साथ भी ये होता है, लूजर्स के साथ तो होता ही होता है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, कि आपके लो मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में एबल नहीं हो, तो ये केवल आपकी अपनी प्रॉब्लम नहीं है, ये समस्या सबकी समस्या है। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम दोस्तों, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये सबकी समस्या है, ये आपकी समस्या नहीं है। और इस समस्या का निपटारा, इस समस्या का छुटकारा केवल एक चीज है, इनहेंस योर नॉलेज। क्योंकि आपके मॉक में अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आप क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करोगे। मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर राइट अटेम्प्ट, सही अटेम्प्ट होगा तो नंबर क्या होंगे, सही आएंगे। और अगर आपका क्वेश्चन ही आप गलत अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है नंबर तो कट नहीं कटते हैं।
अब क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो मेरे भैया, उस अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी नॉलेज की, क्योंकि नॉलेज होगा तभी सही अटेम्प्ट कर पाओगे वरना तो गलती कर दोगे। नॉलेज होगा तभी सही अटेम्प्ट कर पाओगे वरना तो गलती कर दोगे। इसलिए ये जो समस्या है, मैं बस ये कहना चाहता हूं, दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम, दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। लेकिन कॉमन प्रॉब्लम कब तक है? कॉमन प्रॉब्लम केवल एक स्टेज तक है, कॉमन प्रॉब्लम एक स्टेज तक है। ऐसा नहीं कि तैयारी के 6 महीने बीत गए या प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर अभी भी बनी हुई है। मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं कि 2024 में जो नए बच्चे हैं, आपको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा अपने इनिशियल फेजेस पे। तो इस समस्या से डरने की जरूरत नहीं है, इस समस्या से आपको अपनी तैयारी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। डोंट लीव योर प्रिपरेशन। ऐसा नहीं कि आप तैयारी को छोड़ दो कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं अब इसके आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। ऐसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये गलतियां जो मैंने बताई हैं, अगर ये आप अवॉइड कर गए तो दोस्त यकीन मानो विजेता आप ही कहलाओगे। ये गलतियां अगर आपने अवॉइड कर दी तो यकीन मानो मेरे दोस्त विजेता आप ही कहलाओगे, विजेता आप ही कहलाओगे। क्या क्या नहीं करना है? लो मार्क्स आएंगे, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आएगा तो प्रिपरेशन को लीव नहीं करोगे। जितने भी घंटे पढ़ोगे सही से पढ़ोगे, वहां से कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश करोगे एक टाइम टेबल के साथ। सारे ऑनलाइन टीचर्स के साथ आपने नहीं पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी चैप्टर, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट छोड़ के मत चलना और प्री और मेंस का तालमेल बना के चलना। ये इतना काम अगर तुमने कर लिया, विजेता आप ही होंगे, सिकंदर आप ही होंगे, विजय आपकी होगी। इसी बात के साथ इस सेशन को मैं करता हूं खत्म। मुलाकात होगी आपसे ठीक रात 9 बजे हमारी बैंक एग्जाम्स के प्रिपरेशन के प्रीलिम्स की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए। जय हिंद आप सभी को।